राजस्थान के 12 जिला मुख्यालय के कचरे पर प्रशासन द्वारा पर्दा डालकर करोड़ों रुपए की जमीन को बना रखा है कचरा पात्र। शहर का कचरा 12 मांगरोल रोड पर शहर से बहुत नजदीक डालकर कचरे से उठ रही बदबू को रोकने के लिए या फिर करोड़ों की जमीन को हथियाने के लिए मेन रोड पर लगा दी। कनात जहां होकर गुजर रहे हजारों लोगों को करना पड़ा बदबू का सामना। बदबू की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन को लेकर शहर की सभी सड़कों, गलियों और बिजली के खंभों पर भी रंग बिरंगे होर्डिंग लगाए गए, लेकिन शहर की सड़कों ने लोगों ने हालत दिन ब दिन खराब कर दी है। मैं कुलदीप सिंह सिरोहिया, आप देख रहे हैं मेरे साथ टीवी भारती न्यूज। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 12 आगमन, और 12 आगमन के दौरान 12 की धरती पर जो 12 जिला मुख्यालय से मांगरोल रोड, जहां पर आज बड़ा बावड़ी पर गहलोत जी का प्रोग्राम था, उसी बीच रास्ते में आप देख सकते हैं यहाँ की कोई तनात नहीं लगी हुई है। आप एक बार कैमरे में सब पूरा दिखाइए, देखिए आप कि यहाँ पे एक गंदगी पर किस तरीके से पर्दा डाला गया है, और आप देख सकते हो कि पूरी 12 शहर की जो गंदगी है वो गंदगी यहाँ पर डाली गई है, और उस गंदगी पर यहाँ पे पर्दा डाला गया है, और ये पर्दा इस तरीके से डाला गया है कि आप देखिए कि रोड पर किस तरीके से इन्होंने कनात लगा रखी है, और कनात लगा करके और इस कचरे को ढका गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 12 में कचरा डाल डाल करके कहीं जगह इसी तरीके से भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है, और आप देख सकते हो कि ये एक लंबा चौड़ा प्लाट है जिसमें पानी भरा हुआ है। हालांकि यहाँ पे हमारा खड़ा होना भी दुभर हो रहा है, यहाँ पे बदबू बहुत भयंकर आ रही है, उस बदबू को भी इन्होंने कनात के माध्यम से ढांकने की कोशिश की गई है। उस पर इन्होंने JCB चलाई गई है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से जो ये गंदगी का ढेर है, ये गंदगी का ढेर इन लोगों ने कनात लगा करके ढांकने की पूर्ण रूप से कोशिश की गई है। कैमरामैन कुलदीप सिंह सिरोहिया। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।